करौली में स्वास्थ्य विभाग का शुद्ध आहार मिलावट पर वाह अभियान के तहत रोडवेज बस की जांच करने पर मिलावटी पनीर बरामद किया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 किलो मिलावटी पनीर को जब्त कर जांच के लिए सैंपल भेजे। शुद्ध आहार अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा दूरभाष पर निर्देश दिए गए कि धौलपुर से करौली के लिए कुछ माल खाद्य सामग्री आ रही है और कुछ एक्स्ट्रा खेल फाजला में तीन टोल प्लाजा पर 3362 आगे नंबर को रोक के उसमें चेक किया गया तो उसने प्रचालक महोदय ने बताया कि ये पनीर कोई रख गया था और बस स्टैंड पर से कौन ले जाता है मुझे पता नहीं,